Hi friends, welcome to Anna's Recipe and I'm your host and dost Anamika. Friends, Diwali season है, बहुत सारी धूम धड़ाके और मस्ती का और इसमें हम बनाते हैं बहुत सारी मिठाई. पूरे साल भर वेट करते हैं, डाइटिंग करते हैं दिवाली पे मिठाई खाने के लिए. लेकिन फ्रेंड्स, हम सुन रहे हैं कि इतना अडल्ट्रेशन है, हर चीज़ में मिलावट है, तो क्यों ना इस दिवाली पे आप खुद घर पे मिठाई बनाएं और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को एक हेल्दी डोज दें इस बार. फ्रेंड्स, देखिए एना रेसिपीज की डेजर्ट सीरीज और बनाइए डेजर्ट दिवाली के लिए इन एडवांस. अभी 3-4 दिन हैं, आप पहले से डेजर्ट बना के रख सकते हैं फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर फैमिली मेंबर्स एंड किड्स. लेट्स गिव योर फैमिली मेंबर्स अ हेल्दी डोज दिस टाइम. फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो मेरी फेवरेट रेसिपी है. ये है कॉर्न और स्पिनच करी. जी हाँ, कॉर्न और पालक की सब्जी. फ्रेंड्स, ये सब्जी नॉर्मली जब आप रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव होती है. हम इस सब्जी को घर पे बनाएंगे घर के मसालों से और एक और ट्विस्ट डालेंगे. जब आप रेस्टोरेंट में सब्जी को खाते हैं तो ये थोड़ी सी मीठी होती है, जनरली इसमें स्पाइसी कम होती है. मैं इस रेसिपी को थोड़ा सा ट्विस्ट देती हूँ. हम बनाएंगे कॉर्न और स्पिनच की स्पाइसी और चटपटी करी. आइए देखिए इसके इंग्रीडियंट्स. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. फ्रेंड्स, इस डिश के लिए मैंने लिया है 1 कप बॉइल्ड पालक स्पिनच. ये 1 कप निचोड़ा हुआ, इसमें पानी निचोड़ा हुआ है इस पालक से, 1 कप है. 3 टमाटर, थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न, 1 छोटा सा प्याज और 1 हरी मिर्च. मसाले में 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, ये कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट और हींग. सबसे पहले प्याज को हम चॉप कर लेते हैं. प्याज हमने कम इसीलिए लिए हैं क्योंकि हम इस सब्जी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, चटपटा बनाएंगे. अगर हम प्याज ज्यादा डालेंगे तो स्पाइसी नहीं, थोड़ा मीठापन आ जाएगा. आप इसी तरह से बना के देखिए, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है. ये देखिए प्याज कट गए हैं. अब ये टमाटर को मिक्सी में पीस लेते हैं. मिक्सी के जार में टमाटर को मैंने काट के डाल दिया है. 1 हरी मिर्च डाल देती हूँ. अब 3/4 चम्मच जीरा, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च और थोड़े से कोरिएंडर के सीड्स, कम से कम 1.5 चम्मच, ये हम साथ में पीस लेते हैं. ये देखिए इसका बहुत फाइन प्योरे बना दिया है मैंने. अब एक कढ़ाई में डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच तेल, करीब 1/4 चम्मच घी और ये गर्म होने देते हैं अच्छे से. और अब इसमें डालेंगे जीरा बहुत थोड़ा सा और थोड़ी सी हींग. इसे अच्छे से भूनने देते हैं और अब इसमें डालते हैं हल्दी बहुत थोड़ी सी और कोरिएंडर पाउडर अराउंड 1 चम्मच. जब ये मसाला भुन जाएगा अच्छे से, 2 मिनट भूनते हैं और डाल देते हैं प्याज. इस प्याज को हमें सॉटे करना है, सिर्फ 1-2 मिनट सॉटे करना है. थोड़ा सा इसमें फिर हम डालेंगे नमक. हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि हमें प्याज रखने हैं क्रिस्पी ग्रेवी में, जो कि मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं. सो सिर्फ 2 मिनट इसे सॉटे किया है. ये देखिए हो चुका है करीब. ये अब डाल देते हैं टमाटर का प्योरे, सारा प्रिपेयर्ड प्योरे डाल देते हैं. ये देखिए सारा प्योरे मैंने डाल दिया है और अब मुझे इसे तब तक भूनना है जब तक ये प्योरे थोड़ा सा घी छोड़ दे. लाल मिर्च करीब 1 चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर अराउंड 1/2 चम्मच और हमें इसे तब तक इस प्योरे को भूनना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, घी ना छोड़ दे और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर. तो करीब 5 मिनट लगेंगे इसमें. चलाते रहें इसे. ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है और ये गाढ़ा हो गया है. अब इस पॉइंट पे हम पालक का प्योरे मिलाएंगे. अब
इसमें सारे पालक का प्योरे मिला देते हैं और पानी डाल देते हैं जितना आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। मैं गाढ़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ एक कप पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, जितना थिक ही वैसे ही अच्छी लगती है तो इतना ही ग्रेवी रखें। अब इसे ढक के करीब कुक करते हैं 3 से 4 मिनट। ये देखिए इसको 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम कॉर्न मिला देंगे, सारे कॉर्न्स ऐड कर लेते हैं। करने के बाद इसे फिर से ढक के रख देते हैं और करीब 5 मिनट तक सिम गैस पे इसको स्लो फ्लेम पे पकाते हैं। अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला और थोड़ा सा लेमन। इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से और फिर से हम इसे ढक देंगे और फिर इसे हम स्लो गैस पे अराउंड 5 to 7 मिनट्स फिर से पकाएंगे। कम से कम 7 मिनट हम इसे स्लो गैस पर पकाएंगे। और ये देखिए 7 मिनट हो गए हैं। आप सब्जी देखिए कितनी सुंदर बनी है, सब्जी एकदम रेडी है। आइए हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए मैंने एक बोल में से निकाल लिया है, सर्व कर देती हूँ कुछ कॉर्न के कर्नल से, थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम। मेरे पास है कुछ चीज की जूलियंस। थोड़ा सा स्प्रिंकल कसूरी मेथी का और ये सब्जी आपके लिए एकदम रेडी है। इसे आप खाइए नान के साथ, ब्रेड के साथ, रोटी के साथ एंड दिस इज द परफेक्ट डिश फॉर योर डिनर। तो आप जरूर ट्राई करें।